हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा कैसे हैं आप सब सो फ्रेंड्स पार्ट थ्री लेकर के आए हैं ओके फॉर द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू योर फोर टेंथ में टू नाइनटीन्थ में फोर्टीन में टू नाइनटीन्थ में का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और राइट एंड करंट अफेयर्स देखो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट uh, है यू रिलेटेड जितने आपके एग्जाम्स होते हैं जिनमें जनरल नॉलेज पूछी जाती है एंड ई के लिए भी जो आपका है यू पी के लिए बहुत से बच्चे आ, कह रहे हैं सर आप करंट अफेयर्स की जो हमने एक पहले सीरीज शुरू की थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि हम हंड्रेड लेक्चर्स आपको एटलीस्ट प्रोवाइड कराएंगे अराउंड वन थाउजेंड क्वेश्चन का टारगेट रखा था ई के लिए देखो बेटा ऐसा है कि ये जो करंट अफेयर्स कर रहे हैं ये भी इक्वली रेलीवेंट इक्वल रेलिवेंट है वो सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे उसकी वीडियोज भी अभी डलेंगी और वो चिंता मत करो बहुत से बच्चे कहते हैं सर वो आपने छोड़ दिया गया बीच में नहीं, नहीं छोड़ा है उसमें बारह वीडियोज डले हुए हैं और वीडियोज भी एड ऑन करना शुरू करूंगा ठीक है जनवरी हम कवर कर रहे थे जनवरी पूरा खत्म करेंगे उसमें फिर फेब भी करेंगे मार्च भी करेंगे सब करेंगे पर जो अब करंट अफेयर चल रहे हैं वो भी तो कवर करने हैं ना और क्योंकि जिस जो मेरा वे है करंट अफेयर्स कवर करने का उसमें आपका बहुत सारा स्टैटिक पोर्शन जो करंट डिवाइड डिराइव स्टैटिक पोर्शन होता है चाहे वो फिर आपका पॉलिटी हो चाहे फिर वो आपका हिस्ट्री हो चाहे फिर वो आपका इकोनमी हो ये सारे कॉम्पोनेंट ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट हो ये सारे कॉम्पोनेट ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं करंट वाले पार्ट में तो इसीलिए ये वीडियो

ठीक है ये जिसकी बात हो रही है ये अप्रैल में पास किया था लेकिन इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं क्योंकि हिंदू में एक छोटा सा आर्टिकल इसके ऊपर आया था ठीक है जिसमें इसके प्रोज कॉन्स ऐसा कुछ सब उसमें लिखा हुआ था ठीक है उसके अंदर इतना नहीं जाएंगे अभी मेन हमने यहां पर ट्रिब्यूनल रिफॉर्म रेशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस में क्या वो देखना है तो पहला स्टेटमेंट अपने को क्या है? The search selection committee, under the ordinance, इस ordinance के अंडर एक होगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम ठीक है जो इस ऑर्डिनेंस के अंदर सर्च कम सिलेक्शन कमेटी को चेयरमैन का चेयर कौन करेगा ये पूछा जा रहा है सीधा सीधा तो अपने को पता होना चाहिए कि चेयर कौन करेगा दूसरा जो टर्म ऑफ ऑफिस है चेयरपर्सन वो या तो चार साल होगा या फिर जब तक वो सिक्सटी फाइव की एज के नहीं हो जाते whichever is earlier. आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ठीक है करेक्ट इन करेक्ट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपने बार बार मैंने ये बात बोली है तो करेक्ट अगर आपसे पूछा गया है तो ऑप्शन वन ओनली करेक्ट है टू ओनली करेक्ट है बोथ ऑफ दी अबव करेक्ट है या फिर नन ऑफ दी अबव इसका आंसर होगा देखो अगर ऑर्डिनेंस के बारे में पढ़ा है तभी इसको आंसर कर सकते हो इसमें तुक्केबाजी नहीं लगानी अच्छा बहुत से बच्चे तुक्केबाजी लगाते हैं कि यार वहाँ पर सिक्सटी फाइव है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का या उस पर्टिकुलर बॉडी का जो चेयरमैन होता है उसका 65 है तो इसका भी 65 होगा या 70 है तो 70 होगा ऐसा सब आपने नहीं सोच के चलना है ठीक है तो आंसर इस इस केस केस में में क्या हो जाएगा? में हो जाएगा आंसर बेटा जाएगा आपका ऑप्शन ए वन ओनली ऑप्शन ए वन ओनली जो है वो करेक्ट होगा क्योंकि जो सेकंड स्टेटमेंट है जो टर्म ऑफ ऑफिस की बात हो रही है चार साल बिल्कुल सही है लेकिन यहाँ पर सिक्सटी फाइव नहीं यहाँ पर सेवेंटी होना था यहाँ पर सिक्सटी फाइव नहीं सेवेंटी होना था इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं तो प्रेजिडेंट जो है आपके उन्होंने प्रोमोलिगेट किया था ये ऑर्डिनेंस विच इज कॉल्ड द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस ओके एंड इस ऑर्डिनेंस के थ्रू जो पहले आपने पिछले साल न्यूज पढ़ी होगी शायद एक दो साल पहले न्यूज चल रही थी कि बहुत सारे जो एपेलिट ट्रिब्यूनल्स थे अलग अलग लॉज के अंदर जो ट्रिब्यूनल्स बने हुए थे सरकार ने उनको बंद कर दिया ट्रिब्यूनल्स को ट्रिब्यूनल और ट्रिब्यूनल्स जो जो चीजें इन मैटर्स के ऊपर ट्रिब्यूनल्स डिसाइड कर रहे थे वो कह दिया कि अब हाईकोर्ट ही सुनेंगे अब हाईकोर्ट के पास चली गई पावर उन केसेस से रिलेटेड वो कौन से कौन से एक्ट थे नॉ एक्ट थे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा नो ट्रिब्यूनल थे तो अब हाईकोर्ट में एक स्पेशल बेंच बनेगी एक तरह से आप लगा लो या हाई कोर्ट के अंदर एक ट्रिब्यूनल बनेगा जो उन केसेस को देखेगा उन मैटर्स के ऊपर कंसीडरेशन जो है हाई कोर्ट करेगा ठीक है तो अब ये ऑर्डिनेंस ने बेसिकली किया क्या है इसने फाइनेंस एक्ट दो को अमेंड किया है ठीक है क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2017 में क्या लिखा था फाइनेंस एक्ट 2017 में लिखा था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है कि वो रूल्स बना सके रिलेटेड टू द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स टर्म्स एंड कंडीशन सर्विस की उन मेंबर्स की कॉम्पोजिशन का जो उन मेंबर्स को कमिटी सेलेक्ट करेगी उस कमिटी का कॉम्पोजिशन ठीक है तो जो भी ट्रिब्यूनल्स हैं जो भी 19 ट्रिब्यूनल्स हैं जो लिस्ट किए गए थे फाइनेंस एक्ट में उनके ऊपर सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो है ये एक नया रिफॉर्म वो लेकर के आए हैं ओके अब बात करते हैं कम सिलेक्शन कमेटी की जो मेंबर्स को सिलेक्ट करेगी जो हाईकोर्ट के ट्रिब्यूनल के उन केसेस को सुनेंगे तो होगा एक और मेंबर्स होंगे जो भी हो, ट्रिब्यूनल होगा और उनको अपॉइंट करेगी सर्च कम सिलेक्शन कमेटी कमेटी में कौन कौन होगा सबसे पहले आ जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर और, और के ऊपर ध्यान देना है या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज जिसको नॉमिनेट करेगा चेयरपर्सन या तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब खुद आ जाएंगे अगर चीफ जस्टिस साहब को ऐसा लगता है कि वो बिजी हैं उनके पास समय नहीं है तो वो किसी और सुप्रीम कोर्ट के जज को नॉमिनेट कर देंगे टू बिकम द चेयरपर्सन और ये जो चेयरपर्सन है इसके पास कास्टिंग वोट होता है कास्टिंग वोट का क्या मतलब होता है अगर ड्रॉ हो जाएगा तो अल्टीमेटली फाइनल कॉल किसकी आ जाएगी चेयरपर्सन की आ जाएगी ओके okay? उसके बाद सेक्रेटरीज नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिन सेक्रेटरीज को नॉमिनेट करेगी सिटिंग और आउटगोइंग चेयरपर्सन और अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ अ कोर्ट ठीक है अब सिटिंग और आउटगोइंग चेयरपर्सन का क्या मतलब हो गया फॉर एग्जाम्पल पहले कोई चेयरमैन था लेकिन अब वो उसका जो है रिटायरमेंट होने वाला है ठीक है जी वो रिटायरमेंट होने वाला है एंड अ न्यू चेयरपर्सन एज बिन अपॉइंटेड या फिर चार साल का जैसे समय है फोर ईयर्स का पीरियड है अब फोर ईयर्स पूरे हो गए हैं किसी को ओके फोर ईयर्स पूरे हो गए हैं चेयरपर्सन की जो uh, इलेक्शन है वो फोर इयर्स के लिए है तो फोर इयर्स पूरे हो गए हैं तो फोर इयर्स बाद उसको एज अ मेंबर सिलेक्ट किया जा सकता है जो प्रीवियस चेयरमैन था या फिर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री अंडर विच द ट्रिब्यूनल इज कॉन्स्टिट्यूटेड अब अलग अलग ट्रिब्यूनल है ना तो कोई ट्रिब्यूनल कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर होगा कोई किसी और के अंदर होगा तो जो मिनिस्ट्री के अंडर वो पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल है उस मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी uh, भी आ जाएगा लेकिन ये जो सेक्रेटरी होगा मिनिस्ट्री का इसके पास कोई भी वोटिंग राइट right नहीं होगा इस सेक्रेटरी के पास कोई भी वोटिंग राइट right नहीं होगा ओके चलिए टर्म्स ऑफ ऑफिस चेयरपर्सन ऑफ द ट्रिब्यूनल विल बी फॉर फोर ईयर्स ओके और टिल द अटेनमेंट ऑफ द एज ऑफ सेवेंटी ईयर विचे एवर इज लियर ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बाकी के मेंबर्स के लिए टर्म कितना है फोर और टिल द एज ऑफ सिक्सटी सेवन ईयर्स विचे व रिजर्ट लियर तो ये दोनों में डिफरेंस है ध्यान में रखना है कई बार बच्चे क्या करते हैं जैसे चेयरपर्सन वाला पॉइंट आपने कहीं पर पढ़ लिया ठीक है मेंबर का कितना एज है अपन ध्यान ही नहीं देते उसमें ठीक है तो चेयरपर्सन का सेवेंटी है और बाकी के मेंबर्स का कितना है बाकी के मेंबर्स का सिक्सटी सेवन है तो ये चीज बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लो इसी तरह के पॉइंट्स के ऊपर अल्टीमेटली आप कंफ्यूज होते हो ठीक है इसी तरह के पॉइंट्स के ऊपर आप अल्टीमेटली कंफ्यूज होते हो तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है चलिए उसके बाद जो नौ लो बताए थे मैंने आपको जिनको जिनके एप ट्रिब्यूनल्स को रिप्लेस किया गया था वो ये हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस एक बार नजर मार लो हो जाएगा काम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेकंड क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ओके कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सिक्किम वाज मेड द ट्वेंटी सेकेंड स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन विद द पैसेज ऑफ थर्टी फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट्स के ऊपर यूपीएससी पिछले तीन चार साल में अपने वेरियस एग्जामिनेशन में पॉलिटिक वाला जो पार्ट है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन अमेंडमेंट के ऊपर पूछता है क्लियर आपने इसीलिए रखना और कुछ अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जैसे थर्टी अमेंडमेंट हो गया थर्टी सिक्स फोर्टी सेकेंड फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं ऐसे जो काफी इंपॉर्टेंट है तो अमेंडमेंट्स जो है जनरली बच्चे इग्नोर करके चले जाते हैं पूरा अच्छे से पॉलिटी पढ़ लेंगे लेकिन अमेंडमेंट्स जो है उनको याद नहीं रहती दिमाग में नहीं रहती उसको इंपॉर्टेंट नहीं समझते लेकिन अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि सिक्किम जो है इसको ट्वेंटी सेकेंड स्टेट बना दिया गया था इंडियन यूनियन का विद द पैसेज ऑफ थर्टी फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ओके सेकेंड स्टेटमेंट कहता है थर्टी सिक्स अमेंडमेंट एक्ट एडिड न्यू आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन एफ to provide special provision for the administration of Sikkim. ठीक है 36th Amendment Act ने नया आर्टिकल डाला 371F. ओके okay, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है सही स्टेटमेंट आपने बताना है ऑप्शन ए कह रहा है वन ओनली बी कह रहा है टू ओनली सी कह रहा है बोथ ऑफ दी अबव एंड डी कह रहा है नन ऑफ दी अबव तो ये चार आपके पास ऑप्शन है करेक्ट स्टेटमेंट आपने बताना है ठीक है अब देखो जो पहला स्टेटमेंट है पहला स्टेटमेंट सिक्किम डेफिनेटली ट्वेंटी सेकेंड स्टेट है इंडिया का सिक्किम डेफिनेटली ट्वेंटी सेकेंड स्टेट है तो ये वाला पार्ट करेक्ट है लेकिन क्या इसको ट्वेंटी सेकेंड स्टेट थर्टी फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बनाया गया था ये गलत है क्योंकि थर्टी फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट से तो सिक्किम को एक स्पेशल स्टेटस दिया था एक स्पेशल स्टेटस दिया था एसोसिएट स्टेट का ठीक है एसोसिएट स्टेट का उससे पहले कोई एसोसिएट स्टेट नहीं हुआ करता था इंडिया में जितनी स्टेट्स होती थी उनमें से कोई एसोसिएट स्टेट नहीं था ये एक स्पेशल स्टेटस था जो हमने सिक्किम को दिया विदर्टी फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट हमने कंप्लीट स्टेटहुड सिक्किम कंप्लीटली इंडिया का पार्ट बनकर कंप्लीटली इंडिया का एक स्टेट बनकर कौन से अमेंडमेंट uh, एक्ट से हुआ वो वो हुआ थर्टी सिक्स अमेंडमेंट एक्ट से इसीलिए आपका पहला स्टेटमेंट गलत है ठीक है एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि थर्टी सिक्स अमेंडमेंट एक्ट से सिक्किम को कंप्लीटली इंडिया के साथ मिला लिया गया था और कंप्लीटली इंडिया का एक पार्ट बन गया था ट्वेंटी सेकेंड स्टेट इंडिया का सिक्किम बन गया था और कुछ प्रोविजन्स आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन एफ में डाले गए सिक्किम की एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो स्पेशल प्रोविजन्स थे तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है तो आंसर इस केस में क्या हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा अब इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं अभी डिटेल में भी पूरा सिक्किम का 1947 से लेकर के 1976 तक का सारा देखेंगे कि क्या किस हिसाब से ये इंडिया का स्टेट फाइनली बना लेकिन ये न्यूज में हम क्यों देख रहे हैं क्योंकि सोलह मई को प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था पीएम ग्रीट्स पीपल ऑफ सिक्किम ऑन देयर स्टेटहुड डे तो स्टेटहुड डे था सिक्किम का इसीलिए ये सवाल यहां से निकाला गया ठीक है अब देखो ये कितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप आप इसको इसको बोल बोल लो बोल लो करंट अफेयर का क्वेश्चन ठीक है तो इसी वजह से इस ये जो वीडियोज आपके लिए आ रही हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं पी फाइल भी इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाती है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं ठीक है करंट अफेयर्स आपके अगर आप अच्छे से न्यूजपेपर पढ़ रहे हो या आप कोई और मैगजीन पढ़ रहे हो किसी इंस्टीट्यूट की उसके साथ अगर आप ये क्वेश्चंस कर लोगे आपकी हॉलिस्टिक प्रिपरेशन जो है वो करंट अफेयर्स की हो जाएगी ठीक है चलिए तो सिक्किम के स्टेटहुड की बात करते हैं 1947 तक सिक्किम जो था इंडिया का प्रिंसली स्टेट था एक जिसको रूल कौन कर रहा था चोगियाल फैमिली जो है रूल कर रही थी नाइनटीन में ब्रिटिश चले गए अंग्रेज चले गए तो सिक्किम क्या हो गया सिक्किम एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन गया इंडिया का प्रोटेक्टोरेट स्टेट का क्या मतलब हो गया इंटरनल मैटर में इंडिया कोई इंटरफेयर नहीं करेगा लेकिन जो डिफेंस है जो एक्सटर्नल अफेयर है और जो कम्युनिकेशन है तो इन तीन चीजों से रिलेटेड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हिंदुस्तान के पास थी अब 1974 में क्या हुआ सिक्किम की जो चोगियाल फैमिली थे जो वहां के राजा साहब थे वो कहते यार हमें इंडिया के साथ और अच्छे से एसोसिएट होना है बिकॉज सिक्किम वॉज फीलिंग कि यार हम छोटी सी स्टेट है अगर कल को कुछ लफड़ा हो जाता है तो कौन हमें बचाएगा

ठीक है और इस पर्पज के लिए थर्टी फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट से एक नया आर्टिकल डाला गया आर्टिकल टू ए और एक नया शेड्यूल इंसर्ट किया गया टेंथ शेड्यूल अब आप कहोगे सर शेड्यूल शेड्यूल तो सुना सुना लग रहा है शेड्यूल तो एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड नहीं है क्या ठीक है तो एंटी डिफेक्शन का कानून तो उस समय पे आया ही नहीं था

जो राजाशाही और सब चीजें हैं इसको खत्म करते हैं जो ये इंस्टीट्यूट ऑफ चोगियाल खत्म करते हैं एंड सिक्किम को इंटेग्रेल पार्ट ऑफ इंडिया बनाते हैं तो वहां के लोगों ने इसके लिए वोट किया तो इंडिया ने वेलकम किया इस मूव को और इंडिया ने फिर से एक और अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए जो था थर्टी सिक्स अमेंडमेंट एक्ट जिससे सिक्किम को कंप्लीटली इंडिया का ट्वेंटी सेकेंड स्टेट बना लिया गया कोई एसोसिएट स्टेट वगैरह कुछ नहीं प्रॉपर एक स्टेट स्टेटहूड यहां पर मिल गया ठीक है और इस अमेंडमेंट एक्ट से जो सेकेंड शेड्यूल टू ए इंसर्ट किया गया था उसको खारिज कर दिया गया और टेंथ शेड्यूल को भी रिपील कर दिया गया ठीक है टेंथ शेड्यूल को भी रिपील किया आर्टिकल टू ए को भी रिपील किया क्योंकि वो तो एसोसिएट स्टेट की बात कर रहे थे और एसोसिएट स्टेट जैसा कुछ रहा नहीं ठीक है तो वो खत्म हो गया और क्योंकि वो खत्म हो गया इसीलिए टेंथ शेड्यूल फिर से

तो इस तरह से हमने बचना है नाउ दिस अमेंडमेंट amended the first and the fourth schedule to the constitution और एक नया आर्टिकल 371 एफ भी इंसर्ट किया जिससे कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो हैं सिक्किम के एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें डाले गए ठीक है चलिए 10 शेड्यूल और ये 2 ए रिपील कर दिया था मैं आपको पहले बता चुका हूं ओके चलिए थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हु अमंग द फॉलोइंग चेयर द मीटिंग ऑफ द नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की जो मीटिंग होती है उसको कौन चेयर करता है ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर बी कैबिनेट सेक्रेटरी सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डी नी आई बी के अंदर ये भी न्यूज में था कोई मेजर डिजास्टर आता है कोई डिजास्टर जैसी सिचुएशन बनती है तो ये नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी न्यूज में आपको दिखी जाएगी ठीक है और इंडिया में ऐसा है कि साल में पांच छे बार तो ऐसे कुछ डिजास्टर टाइप कुछ आता ही आता है कभी साइक्लोन आ गया कभी फ्लड आ गया कभी अर्थक्वेक आ गया कहीं कुछ कहीं कुछ ओके okay, कहीं बादल फट गया तो चलता रहता है तो आंसर यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन बी कैबिनेट सेक्रेटरी इसका आंसर होगा ऑल right, तो ये न्यूज था बेसिकली पी में सिक्सटीन में आप देख सकते हो ट्वेंटी सो कैबिनेट सेक्रेटरी चेयर्स नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग ऑन साइक्लोन टॉकटे ओके और आपके अभी कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है राजीव गौबा ओके एन की अगर हम बात करें सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिलीफ मेजर्स इन द वेक ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज सेट्स अप अ स्टैंडिंग नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी और ये स्टैंडिंग जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है इसको चेयर कौन करता है कैबिनेट सेक्रेटरी और बाकी मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज और डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज भी इसमें पार्ट रहते हैं ठीक है इतना जानना अपने लिए जरूरी है स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है ये कमेटी जो बातें बातें करते हैं मेनली देखते हैं कि क्या सारा तैयारी है और किस तरह की प्रिपरेशन है क्या डैमेज हुआ है डैमेज को एसेस करते हैं वो सब काम करते हैं ओके चलिए फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आइए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट देखो अगेन स्टैटिक में पुट कर दो चाहे पॉलिटी के लेकिन अफेयर जो है है। क्वेश्चन ओके, सो द काउंसिल स्टेट असेंबली स्टेट नॉट हैव मोर देन ऑफ़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट असेंबली जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा जो विधान परिषद होगा उसमें विधानसभा से एक थर्ड से ज्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए मतलब अगर विधानसभा में तीन मेंबर हैं तो विधान परिषद में ज्यादा से ज्यादा सौ मेंबर हो सकते हैं द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट वोट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर हैं दे कैन नॉट वोट इन इलेक्शन फॉर द प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर नहीं वोट कर सकते कैन नॉट लिखा हुआ है ठीक है थर्ड स्टेटमेंट इन द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जब मेंबर चुने जाते हैं देर इज अ प्रोविजन फॉर अ सिलेक्शन इलेक्टोरेट कंप्राइजिंग सिटिंग मेंबर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट तो एक जो इलेक्टोरेट है यानी कि जो लोग हैं जो चुनते हैं इनको उसमें सिटिंग मेंबर ऑफ लोकल गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया करेक्ट इनकरेक्ट पे बहुत ध्यान देना बार बार बोलता हूं ऑप्शन ए वन एंड टू ओनली बी टू एंड थ्री ओनली सी टू ओनली डी वन टू एंड थ्री ठीक है जी अब देखो विधान परिषद और विधानसभा दो, दो होते हैं स्टेट्स में जैसे हमारे आ, सेंटर पे लोकसभा राज्यसभा वैसे स्टेट में भी हमने सिस्टम बनाया तो पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है लेजिस्लेटिव काउंसिल में आप एक तिहाई से ज्यादा मेंबर नहीं रख सकते लेजिस्लेटिव असेंबली के मुकाबले ठीक है तो बिल्कुल सही है अब देखो ये चीजें बहुत ध्यान में रखनी होती है आंसर को इसी तरीके से जज करना है वन थर्ड अगर यहाँ पर वन हाफ लिख देता वन फोर्थ लिख देता वन फिफ्थ लिख देता तो अपने को पता होना चाहिए कि वन थर्ड है दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल वोट नहीं कर सकते प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्यों नहीं वोट कर सकते अब देखो सारी स्टेट्स में तो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती विधान परिषद नहीं होता ना ठीक है वो तो स्टेट की मर्जी होती है जिनको बनाना है वो बनाए जिनको नहीं बनाना वो ना बनाए उसके बाद पार्लियामेंट अप्रूव करती है लेकिन सब स्टेट्स में नहीं होता इंडिया में सिर्फ अभी छह स्टेट्स में है तो अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी पार्टिसिपेट करेगी तो उन स्टेट्स के पास ज्यादा वोटिंग पावर आ जाएगी जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है है ना और जिनके पास नहीं है उनको नुकसान हो जाएगा तो इसी वजह से ये ऐसा प्रोविजन रखा गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर हैं वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट ही नहीं करेंगे तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं अब जैसे अगर आप फॉर uh, एग्जांपल मैं अगर हरियाणा से हूँ ठीक है हरियाणा में अगर अब इलेक्शन होने हैं एम एल चुना जाना है मेरी डिस्ट्रिक्ट है पंचकूला मेरी डिस्ट्रिक्ट है पंचकूला अब अगर पंचकूला में जो एम एल चुना जाना है तो उसके लिए मैं वोट करने जाऊँगा ठीक है मेरे पास वोट करने का अधिकार है लेकिन जो हरियाणा क्योंकि एमएलए जो ये है विधानसभा के लिए जो विधानसभा के लिए जो पांच साल में इलेक्शन होने हैं ठीक है थेके? उसके लिए मैं वोट कर सकता हूं लेकिन जो विधान परिषद के मेंबर हैं उनका वोट करने का सिस्टम ऐसा नहीं है उनके लिए एक अलग से इलेक्टोरेट बनाया गया जैसे विधानसभा या लोकसभा में हम वोट करते हैं उसमें क्या है कि भाई अगर आप अठारह साल से ऊपर के भारत के नागरिक हो तो आप वोट कर सकते हो लेकिन विधान परिषद में ऐसा नहीं है उसके अलग नॉर्म्स है वो क्या इलेक्टोरेट है कौन लोग उसमें वोट कर सकते हैं वो भी दिखाऊंगा मैं आपको तो अल्टीमेटली आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन हुए थे दीदी की सरकार ने क्या कि हम अब बंगाल में एक कि विधान परिषद भी बनाएंगे इसीलिए ये न्यूज में था ठीक है अट्ठारह तारीख का हिंदू न्यूज खोलोगे उसमें दिख जाएगा आपको ठीक है अब अगर कोई स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना चाहती है तो उसके लिए पूरा प्रोसेस है और वो प्रोसेस की शुरुआत कहां से होती है सबसे पहले उस राज्य की सरकार को हमारे केस में वेस्ट बंगाल की सरकार को असेंबली में एक बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ठीक है जो वहां की विधानसभा है वहां पर बिल इंट्रोड्यूस करेंगे और वो विधानसभा जब स्पेशल मेजोरिटी से स्पेशल मेजोरिटी से इस बिल को पास करेगी उसके बाद ये जो है पार्लियामेंट में जाएगा फिर पार्लियामेंट उसको अप्रूव करेगी अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया तो विधान परिषद बन जाएगा अगर पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया तो विधान परिषद नहीं बनेगा ठीक है ये सारा प्रोसेस अभी दिखाएंगे आपको ओके बेसिस ऑफ फॉर्मेशन इंडिया बाई कैमरल लेजिस्लेचर है भैया सेंटर में भी है तो स्टेट के पास भी पूरी पावर है कि वो अपना बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनाए और ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर स्टेट में बनाने के बाद कहाँ की गई है आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है आर्टिकल 169 क्या कहता है कि क्रिएशन एंड एबोलिशन का प्रोसेस बताता है तो आर्टिकल में लिखा है कि पार्लियामेंट जो है वो एबॉलिश कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को जहां पर ऑलरेडी है और क्रिएट कर सकता है वहां पर जहां पर नहीं है ठीक है सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से करेगा पर पार्लियामेंट के पास जाने से पहले वो उस स्टेट का जैसे हमारे केस में क्या है वेस्ट बंगाल का वेस्ट बंगाल के असेंबली को पहले बिल पास करना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी से उसके बाद ये पार्लियामेंट के पास जाएगा फिर पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस हैं वो सिंपल मेजोरिटी से बिल को पास कर देंगे एंड अल्टीमेटली वो वहां पर परिषद क्रिएट हो जाएगा छह स्टेट्स के पास अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल है कौन सी स्टेट है आंध्र प्रदेश हो गया तेलंगाना हो गया उत्तर प्रदेश हो गया बिहार हो गया महाराष्ट्र हो गया और कर्नाटका हो गया याद रख लो पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी होता था पहले सात थी लेकिन फिर ये जम्मू एंड कश्मीर का इन्होंने आर्टिकल 370 वगैरह खत्म किया स्टेट वोड वगैरह लिया तो उसके बाद उसका जो है खत्म कर दिया था तो अभी टोटल छः स्टेट्स हैं अगर वेस्ट बंगाल में अप्रूव हो जाएगा तो सात हो जाएंगी ठीक है तो अभी छः स्टेट्स हैं इसके अलावा दो में आंध्र प्रदेश जिसके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां की असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि हम एबॉलिश कर देते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये खेलते रहते हैं ऐसे कभी बना ली कभी रक्त कर दी तो आंध्र प्रदेश ने कहा कि हम कैंसिल कर देते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म कर देते हैं क्यों बिना बात के खर्चा बढ़ाना सरकार का ठीक है ना तो इसके लिए उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया था स्पेशल मेजोरिटी से लेकिन अभी तक पार्लियामेंट ने इसको क्लियर नहीं किया तो जब तक पार्लियामेंट क्लियर नहीं कर देती तब तक कुछ नहीं हो सकता भैया ठीक है यह चीज आपने ध्यान में रखनी है ओके तो स्टेट्स हैं अभी अगर वेस्ट बंगाल को अप्रूवल मिल जाता है पार्लियामेंट का तो सात हो जाएंगी अगर वेस्ट बंगाल को अप्रूवल नहीं मिलता तो छह ही रहेंगी अगर आंध्र प्रदेश हट जाता है इसमें से आंध्र प्रदेश का बिल जो है वो अप्रूव कर देती है पार्लियामेंट तो पांच रह जाएंगी ठीक है वो कॉम्बिनेशन है उसके लिए करंट अफेयर हम फॉलो करते रहेंगे दोबारा से ये क्वेश्चन बना देंगे आपके लिए ठीक है ना इसी के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर दो में अबॉलिश कर दी गई थी मैंने आपको पहले ही बता दिया कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो आर्टिकल वन वन में लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या क्या होना चाहिए वो सब लिखा गया तो जो वन थर्ड होनी चाहिए टोटल स्ट्रेंथ स्टेट असेंबली की और नॉट लेस देन फोर्टी मेंबर्स तो कम से कम चालीस लोग होने चाहिए और वन थर्ड से ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए ठीक है वन थर्ड से ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए अब इसका आ, यहां पर अब कंफ्लिक्ट आ जाता है ठीक है अब कई स्टेट्स हैं जिनमें अगर फॉर एग्जांपल सौ ही मेंबर है सौ ही लोग हैं ठीक है वन थर्ड कितना होगा सौ का

उसके बाद द द टेन्योर ऑफ ऑफ अ मेंबर लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल इज असेंबली पांच साल है लेजिस्लेटिव काउंसिल छह साल है सिमिलरली विधानसभा uh, का कितना है सॉरी लोकसभा का कितना है पांच साल राज्यसभा में मेंबर का कितना टर्म होता है छह साल का होता है ये याद रखना है ठीक है सिमिलरली जैसे राज्यसभा में वन थर्ड मेंबर हर दो साल में रिटायर होते हैं वैसे ही विधान परिषद में भी सिस्टम सारा वही रहेगा सेम रहेगा मैनर ऑफ इलेक्शन अब इनको इलेक्ट इलेक्ट uh, करने का मैनर क्या होता है वन थर्ड ऑफ द एमएलसी आर इलेक्टेड बाई द स्टेट एमएलए फॉर एग्जाम्पल अब वेस्ट बंगाल में अगर होने हैं तो एक तिहाई फॉर एग्जाम्पल सपोज करके चल रहा हूँ अगर उस स्टेट में सौ या चालीस लगा लो अगर उस स्टेट में चालीस आने हैं लोग चालीस मेंबर्स को चुना जाना है फॉर द विधान परिषद और फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल तो उस केस में चालीस का एक तिहाई कौन चुनेंगे एमएलए चुनेंगे ठीक है उसके बाद नेक्स्ट वन थर्ड कौन चुनेगा वो चुनेगा एक स्पेशल इलेक्टोरेट अभी स्पेशल इलेक्टोरेट में कौन होगा जो सिटिंग मेंबर्स हैं लोकल गवर्नमेंट के म्यूनिसपालीज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सरपंच वगैरह ठीक है वन थर्ड प्लस वन थर्ड हो गया एक तिहाई चुन लिया किन्नों स्टेट के एम ने एक तिहाई किसने चुन लिया स्पेशल इलेक्टोरेट ने फिर वन ट्वेल्थ वन ट्वेल्थ कौन चुनेगा बाय एन इलेक्टोरेट ऑफ टीचर्स जिसमें टीचर होंगे ठीक है जो जो भी टीचर्स जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनके टीचर्स हैं दे कैन इलेक्ट वन इलेक्टोरेट देन बाय रजिस्टर्ड ग्रेजुएट जो भी स्टेट के रजिस्टर्ड ग्रेजुएट हैं वो वन ट्वेल्थ मेंबर चुनेंगे ओके द रिमेनिंग मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर बाकी के जो बच गए वो गवर्नर अपॉइंट करेगा बाकी के बच गए जो वो गवर्नर अपॉइंट करेगा तो वन थर्ड वन थर्ड वन बाकी कितने बच गए बाकी वन ट्वेल्थ ही बचते हैं बाकी कितने बचते हैं वन ट्वेल्थ बचते हैं तो अगर आप इसको करके देखोगे ना तो ये वन ही आएगा यहाँ पर एलसीएम ले लोगे बारह ये आ गया फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस वन प्लस वन प्लस वन कुछ गड़बड़ हुई क्या एक फोर ज्यादा लिख दिया ना मैंने 11/12 हो गया इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है चलो ए, गवर्नर का मुझे एक बार दोबारा से चेक करना पड़ेगा कि 1/12 ही करता है या ज्यादा करता है इसको एक बार चेक करके आ, अगले वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा ये वाला कुछ गड़बड़ लग रही है इसके अंदर 1/3 हो गया एमएलसीज बाय एमएलए 1/3 हो गया स्पेशल इलेक्टोरेट ओके 1/3 1/3 1/12 हो गया आपका टीचर्स वाला वन ट्वेल्थ हो गया ग्रेजुएट वाला ठीक है ये तो ठीक है ये तो बिल्कुल सही है उसके बाद गवर्नर कितने चूज करता है वो देखना पड़ेगा ओके okay? क्योंकि यहाँ पर अभी हमारी कैलकुलेशन गलत हो रही है 4 plus 4, 8, 9, 10, 11. All right. तो इसको चेक कर लेंगे कोई बात नहीं आप भी अपने एंड पे चेक कर लेना मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना ओके okay? चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं द बी गैस फील्ड रिसेंटली दैट सीन इन इन न्यूज न्यूज इज लोकेटेड ये में अभी आया था दोबारा से है ना तो ये कहां पर लोकेटेड है अरेबियन सी ब्लैक सी कैस्पियन सी पर्शियन गल्फ। फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आंसर इस केस में क्या हो जाएगा इस केस में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पर्शियन गल्फ पर्शियन गल्फ में आपका जो है ये पर्टिकुलर गैस फील्ड है तो जानकारी ले, ले लेते हैं तो ईरान ने रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था क्योंकि ईरान ने अभी अपना जो ये फारजर भी गैस फील्ड है जो इसका पर्शियन गल्फ में ये एक डोमेस्टिक गैस प्रोड्यूसर को दे दिया है अब अपने लिए न्यूज़ में क्यों अपने को इतनी चिंता क्यों है इसकी ये है तो ईरान का ठीक है चिंता इसीलिए है क्योंकि दो में इस गैस फील्ड में एक्सप्लोरेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो इंडियन कंपनीज़ को मिला था जिसमें ओ विदेश इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ऑयल इंडिया जैसी सरकारी कंपनियाँ थी 2009 में ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सपायर हो गया ठीक है उसके बाद 2020 में इंडिया को ईरान ने क्या बोला कि देखो ऐसा है अब ये जो गैस फील्ड है ना इसमें एक्सप्लोरेशन का जो काम है वो हम अपने देश की कंपनियों को देंगे इंडिया के लिए अगर आगे चल करके कोई काम होगा तो हम बता देंगे ठीक है तो एक तरह से इंडिया का नुकसान हो गया पहले हम लोग कर रहे थे गैस एक्सप्लोरेशन वहाँ पर अब हमारा वो काम छिन गया है तो इसी वजह से इसको हमने न्यूज़ में कवर कर लिया ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच अमंग द फॉलोइंग इज द ड्राइस्ट प्लेस ऑन अर्थ मजा आएगा इस क्वेश्चन में हिंदू बिजनेस लाइन जहाँ वो भी मैं आपके क्वेश्चंस uh, बनाने के लिए फॉलो करता हूँ देखो मेरे को वीडियोज़ बनाने में टाइम इसीलिए इतना ज्यादा लगता है आप कहोगे सर पाँच तो आप क्वेश्चन कराते हो आप रोज़ के करंट अफेयर रोज़ करा दो ठीक है आप इतना धीरे uh, धीरे वीडियो डालते हो तो द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पी हिंदू बिजनेस लाइन एक दो तीन चार चार सोर्सेस यूज़ करता हूँ एक दिन के आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनाने के लिए उसके अलावा बाकी के जो इधर उधर से सोर्सेज रहते हैं वो तो रहते ही हैं ठीक है ठीके? तो इसीलिए टाइम लगता है लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि टाइम कितना लग रहा है जरूरी ये है कि जो आपको चीज मिल रही है वो क्वालिटी मिले ओके ओके ड्राएस्ट प्लेस ऑन अर्थ एंटो लिबिया स्वाजीलैंड नन ऑफ द अबव अब कुछ को लोग कहेंगे सर हमने तो ये पढ़ा ही नहीं हमने तो आज तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि एटाकामा डेजर्ट जो है ये ड्राइस्ट प्लेस है अर्थ के ऊपर ठीक है आंसर इसमें ऑप्शन ए होगा एंड फिगेस्टा विच इज इन एटाकामा ओनली ठीक है अब ये क्वेश्चन का सोर्स दिखाता हूँ आपको हिंदू बिजनेस लाइन में ना ऐसे क्लीन फैक्ट्स करके एक आता है कभी कभी न्यूज़पेपर के अंदर तो उसमें कुछ फैक्ट्स गिवन होते हैं और ये फैक्ट्स यूपीएससी वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डाटा पॉइंट आपको मिल जाते हैं ठीक है तो जैसे अभी ये वाला फर्स्ट फैक्ट है आप देखो ऑल द वेदर वी एक्सपीरियंस ऑन अर्थ अकर्स इन ट्रॉपोस्फेयर तो हम जब जॉग्रफी जो, पढ़ रहे होते हैं हम पढ़ लेते हैं कि यार जो 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 है जो, uh, है 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 पर सारे सारे वेदर वेदर में होते हैं ठीक भी क्लाइमेट है, है सारा ट्रोपोस्फेयर में होता है ओके okay? उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्ट है वी आर जस्ट स्टार्टिंग टू सी द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन माइग्रेशन पैटर्न द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स दैट 143 मिलियन पीपल में बिकम माइग्रेंट्स ड्यू टू क्रॉप फेलियर राइजिंग सी लेवल्स एंड लेवल स्केरसिटी अब ये इस तरह का फैक्ट जो सिविल के बच्चे हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है चाहे वो स्टेट का है चाहे वो यूपीएससी का है ये डायरेक्ट फैक्ट्स आप यूज कर सकते हो क्लाइमेट मेडिकेशन से रिलेटेड क्लाइमेट क्लाइमेट रिस्क से related, से रिलेटेड रिलेटेड कोई अगर चीज आ जाती है तो आ जाएगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी आप डाल सकते हो कि फार्मर्स को कितना ज्यादा थ्रेटन है उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर ठीक है नेक्स्ट ग्लोब एक लाख लोग जो है एक लाख से ज्यादा लोग जो है एक साल में पूरी दुनिया में वेदर रिलेटेड चीजों की वजह से उनकी डेथ होती है जैसे ड्रॉट हो गया है फ्लडिंग हो गया हीट वेव हो गया यह भी आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली ठीक है उसके बाद द ड्राएस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज एंटो फगेस्टा इन चिले जहां से हमने सवाल पूछा लास्ट फैक्ट एट एनी गि टाइम ऑन एवरेज देर आर अबाउट एटीन हंड्रेड थंडर स्टॉम्स अक्रिंग ऑन अर्थ विथ हंड्रेड लाइटनिंग स्ट्राइक्स पर सेकेंड ठीक है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है छोड़ो इसको चलो आगे चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेजेंट ये अगेन वहीं से हमने जो ट्रिब्यूनल ऑर्डिनेंस लेकर के आई थी सरकार वहीं से ऑर्डिनेस अब बनाता है प्रेजिडेंट अट्टीमेटली दस्तखत तो प्रेजिडेंट का होता है ना तो ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ये संविधान के कौन से आर्टिकल या कौन से अनुच्छेद से प्रेसिडेंट को मिलती है ऑप्शन ए आर्टिकल 61, आर्टिकल 111, आर्टिकल 123 बड़ा चर्चा में रहता है ये न्यूज़ में रहता ही है आर्टिकल ये वाला आर्टिकल भी न्यूज़ में रहता ही है ऑप्शन डी वन तो आंसर क्या होगा सिंपल है अगर पॉलिटी पढ़ी है अगर ये कहते हो कि हाँ हमने एक बार पॉलिटी पढ़ ली है तो फिर ये आंसर नहीं अं गलत होना चाहिए अगर पॉलिटी अभी नहीं पढ़ी है तो फिर चलता है ठीक है मान लेंगे कि नहीं हो रहा है ठीक है आंसर सी रहेगा यहाँ पर आर्टिकल 123 विल बी द करेक्ट आंसर ओके चलो एक बार देख लें सो so, आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देता है प्रेसिडेंट को ठीक है अब ये ऑर्डिनेंस कब बनाया जाता है जब लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी जो है सेशन के अंदर नहीं है या तो दोनों सेशन के अंदर नहीं है दोनों ही अभी बैठे नहीं हुए या लोकसभा नहीं बैठी हुई राज्यसभा बैठी है तब भी ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है राज्यसभा बैठी हुई या लोकसभा नहीं बैठी हुई तब भी ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है इसके पीछे रीजन क्या है कि भाई अगर कोई कानून बनना है कोई एक्ट बनना है तो उसके लिए पास तो दोनों को करना पड़ेगा ठीक है और पास हो नहीं सकता क्योंकि इनमें से कोई एक नहीं बैठा या दोनों नहीं बैठे तो इसीलिए ऑर्डिनेंस बनाया जाता है और ऑर्डिनेंस का जो लॉ uh, है उसमें क्या लिखा गया जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या लिखा गया कि ऑर्डिनेंस बनाने के बाद पार्लियामेंट को इसको छह हफ्ते में अप्रूव करना ही करना है अगर छह हफ्ते में ये अप्रूव नहीं होती फ्रॉम इट्स रीअसेंबली जब पार्लियामेंट दोबारा बैठेगी फॉर एग्जाम्पल अभी नहीं बैठे हुए लोकसभा और राज्यसभा तो सरकार ने ऑर्डिनेंस निकाल दिया तो जब ये दोबारा बैठेंगे इनके दोबारा बैठने के बाद छह हफ्ते के अंदर अंदर इसको अप्रूव करना ही करना है नहीं तो ऑर्डिनेंस जो है वो खारिज हो जाएगा ठीक है उसके अलावा प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से या सरकार अपनी मर्जी से भी ऑर्डिनेंस को विडड्रॉ कर सकती है उसके बाद देखें आर्टिकल सिक्सटी वन डील्स विद द प्रोसीजर फॉर इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो पीछे आपको क्वेश्चन में गिवन था आर्टिकल एक में क्या है पावर ऑफ द प्रेजिडेंट रिगार्डिंग एसेंट टू बिल्स पास बाय पार्लियामेंट आर्टिकल 143 में क्या है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट तो ये भी इंपॉर्टेंट हैं पता होने चाहिए ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर का कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पनिशमेंट अंडर सेक्शन 124 ए फोर ए आर्टिकल न्यूज़पेपर एडिटर्स का आर्टिकल नहीं सेक्शन कहेंगे ठीक है फेवरेट सेक्शन है न्यूज़पेपर एडिटर्स का बहुत आर्टिकल आते हैं इस सेक्शन के ऊपर पनिशमेंट अंडर द सेक्शन 124 ए रेंजेस फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट अप टू थ्री इयर्स रेंजेस फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट फॉर थ्री इयर्स अप टू लाइफ टर्म अ पर्सन चार्ज अंडर सेडिशन इज बार्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट जॉब अगर किसी के ऊपर सेडिशन

ठीक है उसके बाद आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती तो आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा कर क्यों नहीं है इसको क्योंकि इसके ऊपर छोटा सा एडिटोरियल आया था एडिटोरियल में मेनली चर्चा किसकी हो रही थी के रघु कृष्णा राजू जो आंध्र प्रदेश के एक एमपी हैं और इनके ऊपर रिसेंटली सीडिशन का चार्ज लगा दिया था ठीक है आर्टिकल 124 ए लगा दिया था इंडियन पेनल कोड का तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म किया है तो सेडिशन के बारे में पढ़ लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो सबसे पहले इंग्लैंड में लगा था सेवेंटीन सेंचुरी में तो वहाँ के कानून बनाने वालों को ऐसा लगा कि यार अगर लोग ही हमारी बदनामी करेंगे लोग हमारे पीठ पीछे उल्टी सीधी बातें बोलेंगे या क्राउन को कुछ गंदा बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता ठीक है तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो लोगों को धमकाने के लिए ऐसा एक बना देते हैं कुछ कि अगर कुछ गंदा बोलोगे सरकार को या राजा को तो फिर तुम्हें जेल में डाल देंगे ठीक है तो लॉ को ओरिजिनली ड्राफ्ट किया था थॉमस मेकॉले हमारे फेवरेट मेकॉले साहब साहब ने बहुत कुछ दिया हिंदुस्तान को लेकिन फिर भी इसको इंडियन पैनल कोड में नहीं डाला गया 1860 में। जब ओ, 1860 में में जब ओरिजिनल हमारा आईपीसी बना था ना 1861 में इंप्लीमेंट हुआ था बाद में 1870 में आईपीसी को अमेंड किया गया और उसमें सेक्शन वन ए डाला गया और ये जो अमेंडमेंट था ये इंट्रोड्यूस किया था सर जेम्स स्टीफन ने ठीक है ताकि जो कलोनियल गवर्नमेंट है वो स्पेशल सिचुएशंस को डील कर सके इंडिया के अंदर ठीक है जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं विद्रोह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जनता के अंदर ऐसे लोगों को डील किया जा सके इसीलिए ये सेक्शन वन ट्वेंटी फोर है उस समय पर लाया गया ठीक है जी अब अगर आप हिस्टोरिकली देखो तो फेमस सेडिशन ट्रायल्स फ्रीडम मूवमेंट के समय बहुत सारे हुए लेकिन कुछ फेमस केसेस जोगेंद्र चंद्र बोस का केस ये कुछ लोगों में से पहले लोग थे जिनके ऊपर ये सेडिशन का चार्ज लगाया गया 1891 में बोस आपका एक न्यूज आता था बांगोबासी इनमें इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें एज ऑफ कंसेंट बिल के बारे में इन्होंने थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दिया था तो इनके ऊपर ये एक्ट लगा दिया ठीक है इंपॉर्टेंट है अब देखो कितनी सारी चीजें आपको पता चल रही हैं जोगेंद्र चंद्र बोस 1891 में इनके न्यूज़पेपर का नाम पता चल गया इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है कि भाई बांगूबासी कौन लिखता था कौन एडिटर था इसका तो आप बता दोगे जोगेंद्र चंद्र बोस थे उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के ऊपर भी लगा ठीक है महात्मा गांधी के ऊपर भी लगा ओके okay. उसके अलावा अगर आप देखो शंकरलाल बंकेर ये यंग इंडिया जो जिसको महात्मा गांधी एडिट किया करते थे उस आ, उसके प्रोपराइटर थे उनके ऊपर भी लगा ओके okay. तो बहुत जगहों पर ये फ्रीडम के टाइम पर सेडिशन चार्ज लगाया गया और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि चलो अंग्रेज इसको इस्तेमाल कर रहे थे जो क्रिटिक हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के उनका ये कहना है कि चलो अंग्रेज तो इस्तेमाल कर रहे थे समझ आता था कि उनको अपनी आ, जो है राज करना था हिंदुस्तान के ऊपर तो वो नहीं देख सकते थे कि कोई उनको क्रिटिसाइज करे ऐसे ओपनली कोई विद्रोह फैलाए उनके प्रति पर आजाद हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक हिं, हिंदुस्तान में ऐसे कानून की क्या जरूरत है बहुत से लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन हाल फिलहाल हम इसके अंदर इस डिबेट के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमारा टारगेट मेनली प्री स्पेसिफिक क्वेश्चंस का है तो सेक्शन 124 ए आईपीसी क्या कहता है कि इट डिफाइंस सेडिशन एज एन ऑफेंस कमिटेड व्हेन एनी पर्सन बाय वर्ड्स शब्दों के जरिए इधर स्पोकन और रिटर्न जरूरी नहीं है कि शब्द सिर्फ बोले जाए लिखित शब्द भी या साइंस भी और बाई विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज ब्रिंग्स और अटेम टू ब्रिंग इन टू हेट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइट और अटेम्प्ट टू एक्साइट एक्साइटेक्शन गवर्नमेंट तो इस्टेब्लिश बाई लॉ इन इंडिया जो सरकार गिराने की बातें कर रहा है समझ रहे हो अब आप ये नहीं होगी राहुल गांधी भी तो सरकार गिराने की बातें कर रहा है एक होता है कि सरकार में कत्ले हम मचा दो एक होता है कि हाँ भाई अगले इलेक्शन में ऐसी सरकार को वोट मत करना हमें वोट करना दोनों में डिफरेंस है ओके? So, However, hatred, इसी को क्रिटिसाइज किया जाता है सर सबसे ज्यादा कि सरकार हर किसी पे सडिशन लगा देती है ठीक है जरूरी नहीं है कि आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहे हो तो आप हेटरेड फैला रहे हो या आप कंटेम्प्ट कर रहे हो या आप डिसन फैलाने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप वॉयलेंस इंसाइट करने की कोशिश कर रहे हो सरकार के प्रति आप सरकार की नीतियों के खिलाफ क्या अपना वैसे ही विद्रोह कर रहे हो लेकिन सरकार कई बार ऐसे केसेज में अंदर भी सेडिशन का चार्ज लगा देती है और इसी वजह से इसको क्रिटिसाइज किया जाता है ठीक है पनिशमेंट की अगर बात करें नॉन बेलेबल ऑफेंस है अगर आपके ऊपर ये लगा है सेक्शन 124 ट्वेंटी है तो आपको जो है जमानत नहीं मिलेगी ठीक है सजा अगर प्रूफ हो जाती हो आप गिल्टी इंप्रिजनमेंट से लेकर तीन साल तक सॉरी थ्री इयर्स के इंप्रिजमेंट से लेकर के लाइफ टर्म तक का आपको जेल हो सकती है अगर आपके उसके अंदर चार्ज किया गया है इस लॉ के अंदर तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी ठीक है पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा आपको ओके और जब भी कोर्ट चाहे आपको वो बुला सकती है तो आपको कोर्ट में पेशी लगानी पड़ेगी तो एक तरह से आप ब्लैकलिस्ट टाइप से हो जाते हो अपनी कंट्री के अंदर ये अगर आपके ऊपर से एडिशन का चार्ज लग गया तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना तो है आपने ठीक है जी चलिए तो यहाँ पर हमने आठ क्वेश्चन किए हैं अच्छे क्वेश्चन किए हैं फिर भी किसी को कोई डाउट हो कुछ मैंने गलत बोल दिया हो उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बता दिया करो यार कोई कोई दिक्कत नहीं है मैं कभी ये नहीं कहता कि आई एम इन्फॉलेबल आई एम नॉट इन्फॉलेबल ठीक है मैं गलत हो सकता हूँ आज जैसे मैं जनरल साइंस के वीडियो में बच्चे ने बताया सर आप दो तीन बार से जो टर्मिनाइड होता है वो इमली होता है ठीक है इमली होता है खट्टा इमली ठीक है मेरे दिमाग में पता नहीं क्या छपा हुआ है कई बार होता है ना एक फैक्ट आप एक बार गलत बोल दो कोई ठीक है मैंने पहले इसको क्या बोल दिया इसको मैंने बोल दिया हल्दी ठीक है इसको क्या बोल दिया हल्दी जो आपका टर्मरिक होता है अब एक बार बोल दिया तो वो दिमाग में चिपक गया कहीं कही ना कहीं कि यार नहीं टर्मराइन जो है वो हल्दी है ठीक है लेकिन बच्चे ने बताया कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हो टर्मराइन इमली होता है हल्दी तो टर्मरिक होता है ठीक है ऐसा नहीं है कि मेरे को वो पता नहीं लेकिन चीज़ें कई बार गलत स्किप हो जाती हैं आई एम इन मैं इनफॉलेबल नहीं हूँ आई एम फॉलेबल ओके तो बताते रहा करो ठीक है ना चलो तो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करेंगे चैनल को शेयर जरूर करो यार प्लीज रिक्वेस्ट है हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो रीच बढ़ाओ थोड़ी सी ओके okay? चलिए तो मिलेंगे अगले लेक्चर में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट है बाय